तो है नहीं। खैर दूसरे वाले खेत में देखती हूँ, टहलने घूमने कहीं चला जाता है। अबे बॉडीगार्ड, जब से लड़की को देखा है तब से चैन हमारा दिल दीवाना हो गया है, लेकिन गंगा जा रही है, बहुत जल्दी उसका पीछा करो और चलकर उससे कुछ बात करते हैं। गंगा, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं तुमका पहचानती नहीं हूँ, मुझे आवाज क्या दे रहे हो? मुझे पहचानती नहीं हो? मुझे नहीं पहचानती हो? पूरी रियासत के लोग धीरे धीरे सब हमको जानने लगे हैं और तुम नहीं जानती हो। हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। ये पूरे पूरे गाँव के साले, पूरे गांव के साले, मतलब समझी नहीं। कहने का मतलब जो यहाँ के महाराज वो ठाकुर हरनाम सिंह हैं, मैं उन्हीं का साला हूँ। अच्छा, तब तो मेरे मामा हुए। मामा? मामा जी नमस्ते, आप जान गई आपको मामा जी। मामा कहती है वो मेरे चाचा हैं रिश्ते में। चलो कोई बात नहीं, मामा कहती है कहने दो, पूरे गाँव के सब हमारे। तुम साले हमसे बहुत भड़क रहे हो। कहने का मतलब यह है, ये कारी आप हमारे मामू हैं और हम पूरे गांव के अगर मामू हो जाएंगे, सब हमारी भांजी हो जाएंगी, हमारी सब बहनें हो जाएंगी, तो हम कहाँ घुस जाएंगे? कहाँ घुस जाए हम? कहाँ? साले तुमको तमीज नहीं बात करने की। गंगा, चलो कोई बात नहीं है, मामू और ये रिश्ते सब रिश्तेदारियां सब छोड़ो। मैं तुम्हारा मामू तो हूँ, लेकिन कोई सगा मामू नहीं हूँ। लेकिन इससे क्या होता है, रिश्ता रिश्ता होता है? रिश्ता क्या होता है? देखो, हम कुछ तुमसे और कहना चाहते हैं। और तुम यहाँ अकेले में कुछ सोच रही थी, इसके बारे में कुछ कहना है? मुझे किसी से मिलने जाना है, वही सोच रही थी। सोचती तुम खड़ी चुपचाप, सोच तुम हो खड़ी और चुपचाप, पास में तुम हमारे आ जाइए और मुझको सीने से अपने लगा लो। कहने का मतलब, तुम मेरे सीने से लग जाओ और हमें खबर मिली है कि तुम हमारी भांजी तो लगती हो रिश्ते में, माना कि परवरिश तुम्हारी हमारे जीजा जी के घर में हुई है, लेकिन तुम कोई हमारी सगी भांजी नहीं हो, मुनीम की बेटी हो ना, इससे क्या होता है? आओ हमारे सीने से लग जाओ। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई अपनी भांजी से ऐसी बदतमीजी करता है? भांजी? ए आंजी, भांजी हम कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ जानते हैं प्यार क्या होता है। अच्छा, प्यार जानते हो? अरे प्यार, प्यार तुम नहीं जानते क्या होता है, प्यार हम लोगों से पूछो, किसानों से। हाँ, प्यार मालूम है तो एक बार अपना प्यार हमारे ऊपर भी कुछ थोड़ा छिड़क दो। तुम्हारे ऊपर प्यार छिड़क सकती हूँ, लेकिन उसी रिश्ते से, मामा भांजी के रिश्ते से। भांजा, भांजा, भांजी का नाम बार बार बदलो, समझ गए? हमारा दिमाग खराब, और हमारा दिमाग खराब हुआ तो जानते हो क्या होगा? ले जुबा थाम आपे के बाहर न हो, ले जुबा तारी दीवाना हो।
तुम मुझे बोलो खूब गालियां, सिर्फ एक बार सीने और लगा दो मुझे मारो सर पे हमारे गालियां दे लो, जूतियां मारनी चाहते हो जितनी दिल चाहते हो जूतियां मार लो, लेकिन एक बार मेरा कहना मान लो। लेकिन मामा श्री एक बात याद रखो, क्या? और बदनियत वाले कीड़े पड़ेंगे तेरे नरक में, पापी घुट घुट गुजारा करे, और बहन भांजी को शायद न पहचानता, ऐसी नजरों से मुझको निहारा करे। भांजी को छेलोगे, बहन को छेलोगे तो बदनीयत वाले कीड़े पड़ेंगे। गौरे, हम तमाम कीड़ों के नाम सुने हैं, लेकिन ये साला बदनीयत वाला कीड़ा कौन होता है रे? ये बदनीयत वाला कीड़ा आज हम पहली बार सुन रहे हैं, ये कौन सा नाम है सारे कीड़े का? अरे वो है जनु टट्टी मैदान हम गया हो, और टट्टी लेके गए दो कीड़े ने लेके, वो अति रोड़ी बनाई लेके चलते थे गोबड़ा। यानी हमने कोबड़ौरे पड़ जाएंगे साले बदमाश कहेंगे। हमारी बात तेरी को समझ में नहीं आ रही है। समझ में तुमको नहीं आ रही है, तू मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। मान जाओ, मान जाओ। आई लव यू मेरी जान। तू मान जाएगा? तू मान जाएगा तो चल साले झाड़ी में चल। तुझे ना ही मालूम है, ज्यादा पक पक मत करो वरना हम पूरी भी खाते हैं, पराठा के भी बहुत शौकीन हैं। मेरी जान, मैं कह रहा मेरी बात मान जाओ वरना जबरदस्ती करने का आपको बहुत पुराना अभ्यास है। मानोगी नहीं मानोगी? ओह क्या अदाएं हैं, क्या स्टाइल है। मेरी जान, तुमने मुझे पागल कर दिया है। वाकई में तुम्हारे क्या गोरे गोरे काल हैं, काले काले पाल हैं, नागन जैसी चाल है। तुम तो मेरी जान एकदम बनारस का पान हो। तुम्हें देखकर हमें गाना याद आ गया, ऊंची दुकान का नाम फीका पकवान है, ऊंची दुकान का नाम फीका पकवान है, मेरी महबूबा बनारस का पान है।
बीच में कहां से घुस गया? एक हो शुक्र मनाओ कि हम गाल पर चुम्मा नहीं ले लिए, वरना साले तुमने गाल पर चुम्मा लेने से अच्छा हम गोबर में मुंह बोर देते ठीक था। नालायक है तुम साले, बूढ़े सांड हो, कुछ नहीं होने दोगे। तुमका नरम कर रहा नहीं मालूम दे? नरम कर रहा औरत के कर...